हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको लाइन के बारे में बताया था। पहले आप लाइन बनाना सीखें। जब आप लाइन बनाना सीख जाएंगे तो आप अल्फ़ाबेट, वर्णमाला हिंदी की, ये सब आपको बनाना आने लगेगा। हिंदी वर्णमाला में भी आप पहले लाइन बनाना सीखें, स्टैंडिंग लाइन्स इस तरह से। यहाँ डॉट डैश करके बना हुआ है, इसको आप कनेक्ट करिए, इसको भी आप कनेक्ट करिए। टू डॉट्स है, इसको भी आप कनेक्ट कर दीजिए। स्लीपिंग लाइंस कनेक्ट करिए आप। इस तरह कनेक्ट कर दीजिए। कर्व लाइन, इसको भी आप डॉट डैश करके कनेक्ट करिए। इसको आप कनेक्ट करिए डैश डैश करके। स्लैंडिंग लाइन, इसको भी आप इस तरह कनेक्ट करिए डैश डैश की। इसको आप कनेक्ट करिए डैश डैश करके। कनेक्ट करने से आपसे लाइन बनाना आप सीख जाएंगे। लाइन आप वन पेज, टू पेज, थ्री पेज आप लाइन बनाना सीखिए। फर्स्ट आप स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखिए। जब आप स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख जाएंगे, इसके बाद आप स्लीपिंग लाइन्स बनाना सीखिए। स्लीपिंग लाइन बनने लगी, इसके बाद आप कर्व लाइन बनाना सीखिए। कर्व लाइन बनने लगे, इसके बाद आप स्लैंडिंग लाइन बनाना सीखिए। जब आप लाइन बनाना सीख जाएंगे तभी आपसे वर्णमाला के अक्षर, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट बनाना सीखेंगे। आप लाइन की हेल्प से ही आप बनाना सीखेंगे। और आप पेंसिल से ही राइट करिएगा, क्योंकि मिस्टेक होने से इरेज हो जाएगा इरेजर से। पेन का यूज आप मत करिएगा। हिंदी वर्णमाला में आप छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये सब आप लाइन की हेल्प से ही बना सकते हैं। अगर आपको लाइन बनाना नहीं आया है तो आप ये वर्णमाला के अक्षर नहीं बना पाएंगे। इसमें भी आप डैश डैश कर, पहले आप डैश डैश बनाइए। डैश डैश बना के इसको आप कनेक्ट करिए। डैश डैश बना के 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 आप कनेक्ट करिए। इस तरह आप डैश डैश करके कनेक्ट करके बनाएंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। फर्स्ट आप पहले छोटा बनाना ही सीखें। जब आप छोटा बनाना सीख जाएंगे, इसके बाद आप बड़ा बनाना शुरू करिए। ओके स्टूडेंट्स।